होती रहती है। तो सबसे पहला चीज है कि हम समझेंगे कि ई बुक्स होता क्या है, ई बुक्स किस किस फॉर्मेट में मिलता है, और अभी हम एनसीईआरटी में कौन कौन से फॉर्मेट को यूज करते हैं। तो हम चलते हैं कि सबसे पहला चीज हमारे माइंड में आता है कि ई बुक्स होता क्या है और ई बुक्स हम बोलते किसे हैं। तो आप सभी जानते होंगे ई बुक्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स को ही हम ई बुक बोलते हैं, जो कि नॉन एडिटेबल होता है। नॉन एडिटेबल हम इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई भी टेक्स्ट बुक या कोई भी कंटेंट किसी भी ऑथर ने लिखा है और उसको पब्लिश किया है, तो विदाउट उसके परमिशन हम अपने आप से उस टेक्स्ट को, उस कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं और उसको हम वाइडली हम यूज कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए, और ई बुक्स को रीड और एक्सेस करने के लिए हमारे पास कोई डिजिटल डिवाइस होनी चाहिए। डिजिटल डिवाइस जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, तो हमारे पास स्मार्टफोन है, आईपैड है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इस तरह की जो भी डिजिटल रिसोर्स के साथ हम किसी भी चीज को रीड करते हैं या देखते हैं, एक्सेस करते हैं, उस चीज में हम ई बुक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बेसिकली हम हैंड्स ऑन की ओर थोड़ा देखेंगे कि हम कुछ ज्यादा देख पाए। तो इन एनसीईआरटी हम लोग तीन तरह के फॉर्मेट यूज करते हैं फॉर एनी पब्लिकेशन, एनी टेक्स्ट बुक के लिए, एनी जनरल पब्लिकेशन, जर्नल्स और जो भी चीज रिलेटेड एनसीईआरटी पब्लिश करती है। तो पहला हमारा एज यूजुअल हमारा पहले से पीडीएफ यूज हो रहा था, अभी भी यूज हो रहा है। सेकेंड हमने थोड़ा सा एडवांस किया, फॉर स्मार्टफोन जब से आया है तो हमने ईपब बनाया, ईपब मीन्स इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। एंड थर्ड पार्ट था कि ईपब हम स्मार्टफोन के लिए यूज कर रहे हैं, तो लोग बुक यूज करते हैं, किताब। तो किताब में एक इफेक्ट आता है कि हम इसको पेज पलटते हैं, तो पेज पलटने के क्रम को जब हम पेज उस तरह का एक इफेक्ट डालना चाहे, तो हम एक फ्लिप बुक फिर हमने डेवलप किया, फ्लिप बुक एंड ईपब। एनसीईआरटी ने 2015 में ई पाठशाला एक पोर्टल एंड मोबाइल ऐप था जो लॉन्च हुआ था, उसमें हमने इसको डेवलप करा था। अभी हम इसका लाइव भी देखेंगे किस कौन कौन सा फॉर्मेट का बुक्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है। सेकेंड है कि हम समझेंगे थोड़ा सा कि पीडीएफ पहले हम यूज करते थे, पीडीएफ से हम ईपब में क्यों आए और पीडीएफ और ईपब में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो पीडीएफ जो होता था वो थोड़ा सा हाई वेट होता था, और पीडीएफ में हम क्या करते थे कि जब भी हम पीडीएफ को लैपटॉप या कंप्यूटर पे ओपन करते हैं तो वो बेसिकली अच्छा दिखता है, वो हम रीडेबल फॉर्मेट होता था। बट जब भी पीडीएफ को हम मोबाइल डिवाइस या किसी छोटे डिवाइस पे ओपन करते थे तो हमें प्रॉब्लम होती थी, उसका फॉन्ट छोटा हो जाता था और उस और एडजस्ट ऑटो एडजस्ट नहीं होता था। इसीलिए हमने फिर यहाँ पे एक न्यू आया कि ईपब, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, ईपब फॉर्मेट डॉट ईपब। तो उसमें क्या है कि एज पर योर डिवाइस, आपका साइज स्मार्टफोन का या फिर टैबलेट का या किसी भी चीज का जो भी साइज होगा उसके अकॉर्डिंग ऑटो एडजस्ट हो जाता था। इसलिए हम कहते हैं कि पीडीएफ फाइल्स आर नॉट इजी रिफ्लोएबल, और ईपब क्या है, रिफ्लोएबल है। उसके बाद हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज के टाइम पे हम एक्सेसिबिलिटी के बारे में ध्यान दे रहे हैं और उस पे जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं, उसमें क्या था, पीडीएफ हमारा ऑडिबल नहीं था, उसके टेक्स्ट को रीड नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हम ईपब की बात करते हैं तो ईपब में टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, वो भी टेक्स्ट फॉर्मेट होता है एचटीएमएल का। तो कोई भी वेबसाइट या मोबाइल में कुछ भी आप ब्राउजर पे सर्च करते हैं तो उस पे जो भी चीज आप देख पाते हैं वो एचटीएमएल टेक्स्ट ही होता है, एचटीएमएल और सीएसएस फॉर डिजाइनिंग। जैसे रेड कलर होगा, ब्लैक होगा, ग्रीन होगा, या राइट साइड लाइन होगा, लेफ्ट लाइन होगा, इस तरह की सारी चीजें जो हम सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट के थ्रू हम डिजाइन करते हैं वो हम सीएसएस का यूज किए हैं, वो हम दिखाएंगे अभी लाइव आपको। और उसके बाद उसमें क्या, टेक्स्ट होने के कारण हम उसको हम टेक्स्ट टू स्पीच फीचर्स को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यही था कि हमारा पीडीएफ और किसे ईपब में आने का पर्पस यही था। सेकेंड है, इसके बारे में नेट पे बहुत ज्यादा दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अभी था कि हमारा कि ई बुक्स हमारे किस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। हमने जैसे बात किया कि एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है ncrt.nic.in, जिसमें पीडीएफ वर्जन हमारा अवेलेबल है एनसीईआरटी की। सेकेंड है दीक्षा पोर्टल, आप लोग दीक्षा की ट्रेनिंग कर रहे हैं, दीक्षा पोर्टल पे बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है आज की डेट पे। दीक्षा का वेबसाइट भी है, मोबाइल ऐप भी है, diksha.gov.in, और गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे दीक्षा का तो मोबाइल ऐप मिल जाएगा। सेकेंड था हमारा, थर्ड था ई पाठशाला। ई पाठशाला हमने 2015 में लॉन्च किया था, उसमें हमने पोर्टल भी डेवलप किया
और मोबाइल ऐप भी डेवलप किया। पोर्टल इसलिए डेवलप किया कि हमें उसमें फ्लिपबुक वर्जन अवेलेबल कराना था, और मोबाइल ऐप इसलिए डेवलप किया क्योंकि हमें ईपब वर्जन उसमें अवेलेबल कराना था फॉर यूजर प्रोस्पेक्टिव से, यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि यूजर अच्छे से उसको रीड कर पाए। सेकेंड था हमारा दीक्षा और ई पाठशाला का, आप लोग को आइकन और ये लोगो आपको पता होगा सभी को, इस पे ज्यादा हम नहीं जाएंगे। और ई पाठशाला का मोबाइल ऐप हमारे तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे अवेलेबल है, एंड्रॉयड, iOS एंड माइक्रोसॉफ्ट पे। अभी हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं और हम लोग यूज भी कर रहे हैं एनर्जाइज टेक्स्ट बुक। एनर्जाइज टेक्स्ट बुक क्या होता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या था? एनर्जाइज टेक्स्ट बुक जब आया QR कोड, अब QR कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर स्टेट को। अभी QR कोड अपनी भी बुक्स में और NCERT ने ऑलरेडी QR कोड इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, और अभी स्टेट्स को भी है कि अपना एनर्जाइज टेक्स्ट बुक बनाए और उसमें QR कोड इम्प्लीमेंट करें। QR कोड पेस्ट करने का बहुत ही बड़ा बहुत रीजन है कि जैसे कि हम कोई भी रिसोर्स जितना हमारे पास बुक्स में अवेलेबल कंटेंट है उतना ही पढ़ पाते थे, बट जब से एनर्जाइज टेक्स्ट बुक बना है, जब से QR कोड बनी है, तब से हम एक चैप्टर के मल्टीपल रिसोर्सेस मल्टीपल फॉर्मेट में अवेलेबल हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि केमिकल रिएक्शन का एक हमारा चैप्टर था, हम पहले इसे पढ़ पाते थे और एक ही जो लिखा था वही, अभी इसके बैकिंग में QR कोड के थ्रू हमें ऑडियो मिल जाती है, वीडियो मिल जाती है, इंटरेक्टिव H5P कंटेंट मिल जाता है, और अदर रिसोर्सेज मल्टीपल एक ही चीज पे ऑडियो वीडियो जो भी रिसोर्सेज बने हैं सारे अवेलेबल हो गए हैं। ये हम अभी आपको लाइव दिखाएंगे, और QR कोड हम कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, और लाइव दिखाएंगे कि हाउ टू क्रिएट QR कोड थ्रू गूगल शीट्स थ्रू ओपन सोर्स API। सेकेंड हमारा ये था कि QR कोड हम जनरेट कैसे करते हैं। हम चलते हैं अब माई स्क्रीन इज विजिबल, कैन यू कन्फर्म एनीवन? हेलो, एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म एनीवन। ओके, थैंक यू। तो QR कोड की हम बात कर रहे थे कि हाउ टू क्रिएट QR कोड। डू नॉट अनम्यूट इन बिटवीन द सेशन, आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, दे आर अनम्यूटिंग। तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं कि हम लोग QR कोड कैसे बनाते हैं थ्रू गूगल शीट्स, राइट? तो हमें सबसे पहले हमारे पास एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। आई थिंक कि आपके सबके पास जीमेल का अकाउंट होगा क्योंकि हम गूगल शीट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको सबसे पहले जीमेल अकाउंट लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद हमें गूगल ड्राइव पे जाना है, तो क्लिक ऑन गूगल ड्राइव लिंक आइकन। गूगल ड्राइव जैसे ओपन हो जाता है तो हमें एक गूगल शीट्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे न्यू का आइकन है लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे, हमें न्यू पे क्लिक करनी है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन न्यू देन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप किस पे जाते हैं? गूगल शीट्स की हम बात कर रहे हैं, तो क्लिक ऑन गूगल शीट्स। तो गूगल शीट्स जैसे ओपन हो जाता है, आपको अपनी स्टेट्स के बुक्स के लिए QR कोड जनरेट करना है बल्क में, वन बाय वन नहीं, वो भी ओपन सोर्स API के थ्रू। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कुछ नाम दे देते हैं, QR कोड क्लास 10, ठीक है? तो सबसे पहला चीज था कि हमें ये आपने नाम दे दिया, फिर पहला सीट पे लिखना है डोमेन URL। सेकेंड टैब पे जाएंगे, हमें लिखना है कोड कि आपके बुक्स का चैप्टर का कोड क्या होगा। थर्ड जाना है दोनों का कॉम्बिनेशन, डोमेन URL प्लस कोड को जब कॉन्कैटिनेट करेंगे उसको बोलते हैं, हम लिख देते हैं कंप्लीट URL। थर्ड है हमारा QR कोड जनरेशन, QR कोड और जो भी हम क्लास का जो भी चैप्टर का हम बनाने जा रहे हैं ये। तो हमारा डोमेन URL, तो डोमेन URL हम एग्जांपल देंगे अभी आपको ई पाठशाला का। तो आपको सिंपली आपका जो भी डोमेन है, जो भी वेबसाइट है आपके ऑर्गेनाइजेशन का आपके, उनको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है।
तो पेस्ट कर दिए। अब उसके बाद कोड की बात आती है, कोड आप कुछ भी दे सकते हैं। सपोज इस बुक का कोड है 1064CH01, CH कैपिटल देना चाहते हैं तो कैपिटल भी दे सकते हैं, CH01, ये 1064 कुछ भी हो सकता है, ये 123 भी हो सकता है या फिर 101 भी हो सकता है। आप जो अच्छा लगे आप वो कोड आपके अकॉर्डिंग टू योर बुक्स का कोड वो आप दे सकते हैं। CH का मतलब चैप्टर, 01 का मतलब चैप्टर 1। अब इन दोनों को करने के बाद हमने इन दोनों को कॉन्केटिनेट करना है। कॉन्केटिनेट करने का क्या है कि हमारा स्क्वायर टू कॉन्केट और ए टू एंड बी टू, क्योंकि ए टू जब कहते हैं ए कॉलम में बी टू दिस वन और बी कॉलम में बी टू, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाते हैं स्क्वायर टू कॉन्केट, ब्रैकेट ओपन करेंगे ए टू कोमा बी टू, इसको सिंपली इंटर कर देना है। ये ऑटोमेटिकली देखिए आपका कॉन्केटिनेट हो गया है, दोनों ऐड हो गया जो हमने यूआरएल लिया था। थर्ड हम यूज करते हैं एक ओपन सोर्स एपीआई, qricit.com का एपीआई यूज करते हैं। वेबसाइट अभी हम आपको दिखा देंगे कि हम लोग कौन सा ओपन सोर्स यूज कर रहे हैं एनसीईआरटी की क्यूआर कोड बनाने के लिए। हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू इमेज, क्योंकि हम इमेज क्रिएट करेंगे। क्यूआर कोड क्या होता है, इमेज होता है, तो इमेज हम क्रिएट करेंगे। API है http://qricit.com api qr.php। इसके बाद ये B2 और जो हम लिखे था ये 300 साइज है, ये साइज आप कुछ भी रख सकते हैं, 400 250 एज पर योर नीड, राइट। फिर हम इंटर कर देंगे। जैसे हम इंटर करेंगे इसका देखिएगा कि आपके पास ये QR कोड जनरेट हो चुका है, ये QR कोड बन चुका है। ओके, कंप्लीट URL क्या है मैं आपको बताता हूँ, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सर देवशीष सर, एक तो आप इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें और अगर थोड़ा सा ज़ूम इन कर पाएंगे ना तो थोड़ी हेल्प होगी देखने में सबको। ठीक है जी, श्योर। या टेक्स्ट साइज बड़ा कर देंगे तो जैसे भी। अब दिख रहा है आप लोगों को, चैट बॉक्स में दे दीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सिंपली आपके पास एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। जीमेल का अकाउंट के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये गूगल ड्राइव का आइकन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा, राइट। जब गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा तो आपको सिंपली इस पे आपको क्या करना है, न्यू पे जाके गूगल शीट्स ओपन करनी है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक शीट आ जाएगा। उसके बाद आपको चार कॉलम रखना है, पांच भी रख सकते हैं, छह भी रख सकते हैं। बेसिक हम लोगों ने जो यूज किया है चार किया है। एक डोमेन यूआरएल, डोमेन यूआरएल मीन्स आपका वेबसाइट का यूआरएल जहां पे क्यूआर कोड का बैकएंड डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा हो, क्योंकि इससे पहले आपको अपना डेटाबेस रेडी करना पड़ेगा। एक स्टेप मैं आगे इसलिए गया हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है और उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए होगा। तो हम आपको बेसिकली आइडिया ये देते हैं कि आपके पास जो भी वेबसाइट है उस पर एक डेटाबेस में एक टेबल बनाएंगे क्यूआर के नाम से, और उस टेबल में आपको थोड़ा सा कोड करना पड़ेगा। वो कोड अगर चाहिए होगा आपको इस तरह का तो आप हमें रिक्वेस्ट करेंगे तो हम आपको वो भी भेज देंगे, या फिर जो टेक्निकल सपोर्ट होगा वो हम आपको करेंगे। तो पहला डोमेन यूआरएल मीन्स ipaarsala.nic.in/qr, हमने एक फोल्डर बनाया है उस सर्वर पे, वहीं पे ipaarsala.nic.in सर्वर पे, और वहां पे हमने जो पेज रखा था उसको हमने कॉल करा है। फिर कोड आपका कुछ भी हो सकता है, आपके स्टेट के हिसाब से आपके हर बुक्स का, हर चैप्टर का कुछ ना कुछ कोड होगा। अगर नहीं है तो आप वो डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हिंदी का है, इंग्लिश का है, क्लास 10th का है, क्लास 9th का है, तो उसके हिसाब से आप कोड रख सकते हैं। आप कोड रख के बस पहले वाला कोड कुछ भी रखें, डजेंट मैटर, बट ये जो लास्ट का चार डिजिट हम बताए ये नोमेनक्लेचर आप यूज करेंगे तो आपको हेल्प होगा। हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोड कुछ भी हो सकता है। चैप्टर है CH01 CH02। अब हम दूसरा बना के देखते हैं, कंप्लीट यूआरएल। अभी हम देखते हैं ये, जैसे कि हमने किया इसको क्या करेंगे, हम स्क्रॉल कर देंगे। सपोज हमारे पास क्लास 10th में 10 चैप्टर है तो 10 हमारा ये जो यूआरएल है, डोमेन यूआरएल ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। आपका सिर्फ चैप्टर नेम में चैप्टर नंबर चेंज हो जाएगा, 1 है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हो जाएगा, राइट। अगर उसके बाद इन दोनों को कॉन्केटिनेट ऑलरेडी हमने कर चुका हूं, मैं कर चुका हूं, इसका फॉर्मूला ये वाला ऊपर देख सकते हैं, इक्वल टू कॉन्केट ए टू एंड बी टू करके ये वाला। यहां से जब एक बार बन जाता है इसको आप स्क्रॉल कर दें, ऑटोमेटिकली ये देखिएगा चेंज हो जाएगा। चेंज आपको कहां से दिखेगा, देखिए लास्ट में CH09 CH08 CH07 ये आपको दिख रहा होगा।
सेम उसी तरह से यहाँ पे हम QR कोड भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं एक्सेल शीट पे, ये अच्छा फैसिलिटी है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग कर सकते हैं, इसको स्क्रॉल कर देंगे ऑटोमेटिकली ये हमारा QR कोड बन जाएगा। अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास एक साथ विद इन अ सेकंड बोल सकते हैं या मिनट बोल सकते हैं कि हमारे पास सारे QR कोड अवेलेबल हो गए, ठीक है। हाँ वेबसाइट होना चाहिए सर, ये हो गया। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है, फॉर्मूला। हम फॉर्मूला आपको चैट पे दे देते हैं सर, वन सेकंड। हाँ तो ये स्टेप टू का पूरा फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला मैंने आपको चैट पे दे दिया, आप इसको यूज करिए, बनाइए, बन जाएगा, राइट। लेकिन हमारा जो ई पाठशाला URL है उसके जगह पे आपको अपना URL यूज करना है। रिपीट QR कोड क्रिएटिंग प्रोसीजर, ओके वन सेकंड, मैं एक बार इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर से दोबारा से बनाता बताता हूँ आपको। ये हो गया, इसको बनने के बाद आप जाएंगे फाइल पे, फिर यहाँ पे डाउनलोड पे, आप PDF डाउनलोड क्या करना है आपको, PDF करनी है, डाउनलोड PDF, ये डाउनलोड PDF आपका आ जाएगा आपके सिस्टम पे, ये डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड होने के बाद आपके सिस्टम पे ये डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होने के बाद इसको PDF टू इमेज में आपको कन्वर्ट करना होगा, एडोब का सॉफ्टवेयर है या ऑनलाइन भी होता है। तो ये चीज था प्रोसेस QR कोड जनरेट करने का। जब इमेज में कन्वर्ट हो गया तो वो इमेज अपने आप जो भी एडिटिंग टीम है या पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है उनके साथ आप इमेज शेयर कर दें, वो उस इमेज को लेके आपके बुक्स पे पेस्ट करके वो आप यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। हाँ सर, अगर आप कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, होल प्रोसेस सर, ये PPT जो मैंने आपको दिखाया था उसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, फिर भी एक बार, ओके ओके, यस सर, मैंने अनम्यूट कर दिया आप लोगों को, अगर किसी को क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। देवास बोल रहा हूँ यूपी से। यस सर, टेल मी सर, असल यदि मेरे पास मोर देन वन कंटेंट है और एक QR कोड पे मुझे लिंक करना है, पोर्टल पे मेरे कई सारी चीजें हैं, तो एक साथ वो कैसे, मतलब वो एक ऑप्शन आ जाए, वहाँ लिस्ट आ जाए, मैं उसमें से जो चाहूँ वो चूज कर लूँ। बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है कि ये QR कोड है, राइट? ये QR कोड के जब स्कैन करेंगे तो मल्टीपल रिसोर्सेस, मान लीजिए आपके इस QR कोड के बैक एंड में आपके पास एक ऑडियो है, एक वीडियो है, कुछ इमेजेस है, कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ PDF फाइल्स है, यही ना, राइट? यही पूछना चाह रहे हैं आप सर? जी सर। हाँ, तो इसके लिए मैंने आपको वही बताया था कि आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए, जैसे हमारे पास ई पाठशाला वेबसाइट है, आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए, और वेबसाइट के अंदर में आपके एक सर्वर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वेबसाइट रन होती है सर्वर के बैकएंड पे, क्योंकि ये भी हमारा वेबसाइट चल रहा है तो ये हमारा PHP पे बना है और इसका बैकएंड सर्वर हमने क्लाउड का, लाइनक्स का क्लाउड लिया हुआ है, वहां पे हमने स्पेस परचेस किया हुआ है और उसके बाद NIC क्लाउड पे हमने सारे कंटेंट को रखा है। इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल सेशन लेना पड़ेगा, या फिर अगर स्टेप्स ये, तो मैं आपको एक आप रेज कर दीजिए क्वेरी आपकी कि आपको कंप्लीट प्रोसेस दिया जाए, तो अगर या आपको ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग भी दिया जाए, तो हम आप अलग से सेशन ले लेंगे सर, वो एक अलग है, वो कोडिंग का पार्ट हो गया, वो हम इतने कम समय में नहीं बता पाएंगे, राइट? आपके पास एक वेबसाइट होना ही होना चाहिए, डोमेन और एक सर्वर। हाँ, अगर जिनके पास अभी वेबसाइट नहीं है तो वो क्या करें, सर अगर आपके पास सर्वर नहीं है तो उस QR, क्योंकि QR कोड एक लिंक ही होता है, सपोज हम कोई QR कोड जनरेट करते हैं, अगर हम कोई QR कोड भी जनरेट करेंगे ऑनलाइन, राइट, ऑनलाइन QR कोड जनरेट करेंगे तो किसी URL का ही करेंगे, जिससे हम इस पाठशाला इसका हम QR कोड जनरेट करना चाहते हैं थर्ड पार्टी कोई टूल से, तो इसके लिए भी हमें URL ही टाइप देना पड़ेगा, जैसे हमने ई पाठशाला QR कोड, एक URL ही होता है वो, तो आपके पास वेबसाइट होना ही चाहिए, प्री रिक्विजिट है, आपको वेबसाइट होना ही होना चाहिए, सर्वर होना ही चाहिए। सर, इसको हम दूसरे OER से भी तो लिंक कर सकते हैं जो उसके लिए ठीक लगे। सॉरी, फिर से बोलिए। मैं ये कह रहा था, इन जो हमारे पास OER रिसोर्सेज हैं दूसरे,
जो बच्चों को हम पहुंचाना चाहते हैं अच्छे, उनसे भी तो लिंक कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप हमारा जैसे कि कोई ओईआर कंटेंट है, सपोज ये पाठशाला का ही चैप्टर नंबर आपको कोई भी, सपोज ये अबाउट वाला कंटेंट है, सपोज फॉर एग्जांपल आप ये शेयर करना चाहते हैं सारे बच्चों के साथ, तो ये वाला यूआरएल लेके आप सिंपली यहाँ से क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं और बच्चों को शेयर कर सकते हैं, ये इमेज को शेयर कर सकते हैं, वो फिर स्टूडेंट जो भी है वो बच्चे स्कैन करेंगे और इस वाले सेक्शन पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। हमारे एनसीईआरटी की बुक्स है, हमने सारे बुक्स में क्यूआर कोड एनेबल करा दिया है, राइट सर? ए और बी दोनों को आपने जो कंबाइन किया था, एक बार उसका प्रोसेस वापस से बता दीजिए। श्योर 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 श्योर। देखिए मैडम, ए और बी को जो कॉन्केटिनेट किया था ना, ये दोनों को मैं फिर से एक बार रिमूव कर देता हूँ। देखिए मैडम, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है? ये वाला आपको फॉर्मूला सिर्फ आपको ध्यान देना है, ये मैंने डिलीट कर दिया, राइट? अब कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे पास डोमेन यूआरएल है, कोड है, और कंप्लीट यूआरएल में हम क्या करते हैं, राइट? तो कंप्लीट यूआरएल में यहाँ पे आपको इज इक्वल टू कॉन्केट ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट ओपन करना है, ए टू, ए का टू एंड बी का टू, ये बी टू मतलब ये ए टू है, ये वाला देवाशीष सर। हाँ यस सर, जो अभी आप वहाँ पे फार्मूला बना रहे हैं, हाँ हाँ, ओके सर, इस पोर्शन को थोड़ा सा जूमिंग कर दीजिए। अच्छा अच्छा, ये मैं फिर से एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी? ये देखिए, आपको मैंने चैट पे दे चुका हूँ ऑलरेडी, फिर से मैं दे देता हूँ, ये फॉर्मूला ये है। आपको ऐसे फॉर्मूला में क्या है, इज इक्वल टू कॉन्केट, ये दोनों को कॉन्केट कर रहे हैं, ए टू मतलब दिस वन, बी टू मतलब दिस वन, इसको करेंगे, जहां पे वो कर्सर रहेगा वहां पे ये बन जाएगा यहाँ पे, तो जैसे ये फॉर्मूला आपका बनता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्यू आर कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। आप लोग करके देखिए, नहीं तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप रिक्वेस्ट कीजिए, फिर हम आपको इसका, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ज्यादा नहीं है, बट सर्वर वाला आपको थोड़ा सा दिखा देते, उसमें एक्चुअली टाइम लगेगा सर्वर दिखाने के लिए। सर, ये क्यूआर कोड की इमेज अपने आप कैसे बन रही? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वैलिड है, कैसे बन रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक वेबसाइट पे ले जा रहा हूँ, हमने अभी दिखाया था आपको। हाँ, एक सेकंड सर, मैं आपको कहीं और कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ, सपोज यहाँ पे ये देखिए सर, दिख रहा है आपको, इक्वल टू इमेज http://qricket, ये वाला हमने इसका API यूज किया है। इस वाले वेबसाइट पे हम जाएंगे, कंट्रोल सी करके, हम ध्यान दीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत वैलिड है। ये देखिए, ये QRICKIT है, इससे हमने लिया, एक QR कोड इज ए स्क्वायर बार कोड दैट कैन बी स्कैंड यूजिंग द कैमरा ऑफ स्मार्टफोन और टैबलेट, ये तो समझ में आ गया, सिंस इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, हम ये फ्री एंड ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में बना हुआ है, इसको हम यूज कर सकते हैं, इसलिए हम इसके API को कॉल कर रहे हैं। अब API को कॉल हम कैसे कर रहे हैं, इस फॉर्मूला के थ्रू, देखिए api/qr.php, आपको भी सेम API यूज करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये जो हम देख रहे हैं ना, इक्वल टू इमेज http://qricket.com api/qr.php ?@text, ये वाला आपको सेम यूज करना है, आप किसी भी क्यू आर कोड यूज करना है तो आपको यही वाला API यूज करनी है, ये मैंडेटरी है, क्योंकि हमने भी इसके आगे जो आपने @text, b2, qr size ये सब दे दिया, ये पैरामीटर्स जो हैं, ये हाँ, ये आप चेंज कर सकते हैं, ये आप 300 मैंने दिया है, आप 400 कर सकते हैं। नहीं, क्या है ये, मतलब इनका बताओ तो, साइज है सर, ये कोई साइज है, साइज स्टाइल की साइज, कोई भी इमेज की साइज होती है ना, वो साइज है सर। अच्छा, @text b2 का मतलब हमने b2 का जो 1ch010 लिख दिया था वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, ये b2 का मतलब ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने डाउनलोड किया था ना, हाँ, जो हमारा b2 था, ठीक है, वहाँ पे जो कोड आया था ना नीचे, इसलिए अगर उसको अगर कोड नहीं चाहिए नीचे, जैसे ये वाला QR कोड देखिएगा सर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस QR कोड में ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए 101CH1 आया ना यहाँ पे,
ये B2 का मतलब वही है कि ये नीचे भी रख दिए। ये हमने इसलिए रखा था कि एक सपोज आपके पास बुक्स भी है बट आपके पास स्मार्टफोन दैट टाइम नहीं है, आप क्या करेंगे? तो आप ई पाठशाला में गए, आप यहाँ स्कैन, अगर आपके पास मोबाइल है स्कैन किए लेकिन आप डेस्कटॉप में देखना चाह रहे हैं तो सपोज किसी बुक का कोड है 1064CH01, आपको इसको एंटर कर दिए। जैसे एंटर किए तो आपके इससे QR कोड से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट था वो आपको दिख गया। ये देखिए, अब इसमें दीक्षा का भी रिसोर्सेस है, दीक्षा पे क्लिक किए अदर रिसोर्सेस में तो दीक्षा का पोर्टल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी QR कोड से मैप्ड कंटेंट है वो सारा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। हम कोड देने का मतलब यही है कि जिसके पास स्मार्टफोन है वो भी यूज करे, जिसके पास नहीं हो कोड के थ्रू वेबसाइट में भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, आपने कहा था कि हमारे पास बहुत सारे अदर रिसोर्सेस हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, तो ये सारा चीज यहाँ पे मैप हो रखा है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सर लेकिन मेरे अगर अदर रिसोर्सेज अलग अलग स्कैटर्ड हैं तब क्या करेंगे उनको, मतलब क्या सिंगल यूआरएल में तो हो नहीं सकता, वो मल्टीपल यूआरएल होगा वहां पे? सर मल्टीपल यूआरएल, अगर मल्टीपल यूआरएल होगा तब जब मल्टीपल आपके पास रिसोर्सेज अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी के हैं, अगर एक ही चीज का सपोज एक ही चैप्टर का है ना, एक ही कॉन्सेप्ट पे 10 रिसोर्सेज हैं और एक है कि 10 रिसोर्स का एक एक कंटेंट, दो चीजें हैं। अगर एक रिसोर्स के 10 कंटेंट हैं, एक चीज को 10 तरीके से 10 फॉर्मेट में 10 चीजें हैं, तो आपको एक यूआरएल चाहिए, एक क्यूआर कोड चाहिए। लेकिन आपके पास 10 रिसोर्सेस हैं अलग अलग है सारे, तो 10 यूआरएल चाहिए आपको। क्लियर है सर? Yes, sir, मैं समझ नहीं पा रहा था थोड़ा सा सर, ये बात मैं कह रहा था कि मेरे पास एक कंटेंट के लिए कुछ ऑडियो है, कुछ वीडियो है, कुछ ग्राफिक है और वो अलग अलग स्कैटर्ड है, एक ही मतलब उसके यूआरएल तो अलग अलग होंगे जब हम खोलेंगे ना, वो एक यूआरएल पे कैसे खोलेंगे? वही मैं कह रहा हूँ, सपोज 1064, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, मैं भी क्यूआर कोड अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, समझिएगा इसको, ये आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा है एक चैप्टर का, राइट। अब इस QR कोड का जो नीचे कोड लिखा है उसका कोड नीचे लिखा हुआ है 1064CH01, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन अभी हम नहीं दिखा रहे हैं तो उसका कोड भी है 1064CH01। इसको जैसे गो पे क्लिक करेंगे, अब ये एक चैप्टर है, कोई भी एक चैप्टर किसी भी क्लास का, लेकिन उसके रिसोर्सेज क्या है, टेक्स्ट रिसोर्सेज 5 है, वीडियो रिसोर्सेज 3 है, ग्राफिक्स 1 है, दीक्षा का अलग लिंक है, तो आपके पास एक यूआरएल पे ऊपर देखिएगा यूआरएल e-parcel.nasa.in topic dphp1064CH01 के 10 रिसोर्स एक जगह दिख रही है। वो आपके पास सर्वर है इसलिए आपने एक साथ किए हुए हैं सर, मेरे पास सर्वर नहीं है तो मैं अलग अलग यूआरएल लूंगा। अगर आपके पास सर्वर नहीं, मतलब अगर आपके पास सर्वर नहीं है तो आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा, राइट। तो हर एक के लिए QR कोड अलग आएगा, मैं ये कह रहा था हर रिसोर्स के लिए अलग अलग आएगा, बिल्कुल, या दैट इज, यस यस यस, ठीक है। अभी कुछ क्वेरी आया था कि ईपब कैसे बनाते हैं, तो मैं थोड़ा सा ईपब बता, असल थोड़ा सा कोड के बारे में जानकारी चाहिए थी। हाँ, जो पहला कॉलम था वो यूआरएल का कॉलम था, ठीक सर? डोमेन यूआरएल, ठीक है। हाँ, जो पहला कॉलम है सर वो यूआरएल का कॉलम हुआ, तो यानी कि वो तो वेबसाइट पे ले जाएगा सीधे से, है ना? अब दूसरा जो हमने कोड रखा हुआ है ये CH01 जो मैंने रखा हुआ है, दैट मींस मेरे पास जो मेरी वेबसाइट है, जो जहाँ मेरा यूआरएल है वहां इस नाम से होना चाहिए, तभी मैं उसको CH01 रख पा रहा हूँ। बिल्कुल, इसका एक्चुअली जो आप सर्च, हम तब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपके पास एक पेज है, एक qrcode.php नाम का पेज है, वहां पे हम इस कोड को कॉल कराते हैं। अब वो कॉल कराने का प्रोसीजर अलग है सर, तो उसके लिए आपको एक अलग सेशन लेना पड़ेगा और उस सर्वर आपको थोड़ा टेक्निकल पर्सन या फिर टेक्निकली आ जाती है वो चीजें, तो हम कोड सिर्फ हम कोड से ही सिंप्लीफाई कराते हैं, हम वहाँ पे इससे ये रहना जरूरी नहीं है, हम वहाँ पे लिखेंगे कि कोड इक्वल टू ये कोड हम उठा के उस पे कोड पे डालते हैं, कोड कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं। आई हैव अ क्वेश्चन, this is Isha from Chandigarh. Sir, as you have told the entire process, first is to, you know, put in the domain name, then is the code. First of all, we should have a valid domain. For example, if we are using the resources of Diksha or NCRT or e-Pathshala and so on, then we should have a valid code as well, because without codes, we are not able to process. Have by mistake, we have typed, you know, CH04 or 09 and the code is not existing, then it is a wastage. So for this, we should have the knowledge that whatever codes are available with us related to that particular chapter. So here it increases our research as well as a teacher. First of all, we need to have all the records. Next process that you did the contact thing,
where we have merged, you know, O2 cell and B2 cell. We got this again, a new URL has been generated. Now my question here is, when you were talking about the quicker thing, you know, the new URL with the quicket something, so how to generate that? And again, it is such a complex process. Don't you think the other method that you have told, like generating the QR code directly, that is much easier than this complex thing, sir? नहीं, एक्चुअली इसमें क्या है कि अगर आप ऑनलाइन के थ्रू बनाने जाएंगे तो आपके पास सपोज 300 हमारे पास एनसीईआरटी की 377 बुक्स है, राइट? यस सर. तो 377 टाइम्स आपको, और उसके बाद भी 377 बुक्स है, और 377 बुक्स में 10-10 चैप्टर भी है. यस सर. सपोज 3770 टाइम्स आपको कॉपी यूआरएल, पेस्ट यूआरएल, डाउनलोड क्यूआर कोड, सोचिए आपके टाइम कितना कंज्यूम होगा. अग्रीड. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस प्रोसेस थ्रू ओपन सोर्स एपीआई एंड थ्रू गूगल शीट्स. फाइन. आप सोचिए कि आपके पास एक बार बनाना पड़ेगा तो एक बार स्क्रॉल करेंगे सारे एक घंटे में आपका सारा क्यूआर कोड रेडी, वहां पे आपको उतने टाइम्स कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा. देयर वी हैव टू वर्क ऑन ईच एंड एवरीथिंग. यस यस मैम. सो व्हेन यू जनरेटेड दिस आफ्टर सेल 3, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दिस कॉलम नंबर 3, देन अगेन यू क्रिएटेड दैट द यूआरएल https://quickit.com. हाउ इट वाज क्रिएटेड, इफ यू कैन वंस अगेन प्लीज टेल. दैट इज द कंफ्यूजन. थैंक यू. नो, प्लीज लिसन केयरफुल. हमने आपको जो दिया है ना, हमने आपको एक एपीआई ऑलरेडी प्रोवाइड किया है चैट बॉक्स पे, आपको ये एपीआई ही यूज करना है. इक्वल टू इमेज QRICKIT, ये एक कंपनी है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी ओपन सोर्स है, इसने डेवलप किया है ये पूरे मैकेनिज्म को, हम अपने से नहीं कर रहे हैं. एनसीईआरटी सिर्फ अपना सर्वर एंड वेबसाइट को मैनेज कर रही है, बट इन्होंने हम इनके एपीआई ओपन सोर्स एपीआई फ्री एंड ओपन सोर्स है, जो हम ओपन सोर्स के का एपीआई को यूज करके ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जा रहा है. ये वाला जो है इस पे हम, ये एपीआई है, ये चेंज नहीं होगा, ये आप एग्जैक्ट यही सेम यूज करना है आपको. बस यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव वन वेबसाइट एंड वन सर्वर. वेबसाइट है तो सर्वर होगा ही ऑब्वियसली. एंड यहाँ पे एक चीज पूछनी थी कि जैसे आप बोल रहे हो कि सेम आपने यही लिखना है, इक्वल टू इमेज ब्रैकेट स्टार्ट HSTP, तो जितना भी बार अगेन एंड अगेन हम डिफरेंट पर्सन इसको यूज करेंगे तो जो IR QR कोड है वो डिफरेंट शेप में बनेगा? नहीं, सेम डिफरेंट सेट में तब बनेगा मैम जब आप इसको डिफरेंट पैरामीटर पास करेंगे. जैसे सपोज यहाँ पे सिर्फ ये वाला तो फिक्स रहेगा, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है, ये तो एपीआई है, ये B2 मतलब B2 है आपका. अगर ये आप सबसे एक सीरियल नंबर देना चाहते हैं, कुछ और देना चाहते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं, उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ B2 की जगह आप हो सकता है कि C2 या D2 हो जाएगा. यस यस यस. QR साइज 300 हो सकता है, 200 चाहिए आपको, हो सकता है साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जो सेल एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग ही शेप क्रिएट करेगा. बिल्कुल. यस मैडम. यस. थैंक यू. अब इसको जैसे कि ब्लैक है तो कलर भी कर सकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. अब एक क्वेश्चन और था ईपब के लिए, तो मैं थोड़ा ईपब बता दूं. एक मिनट सर, एक मिनट. ईपब पे जाने से पहले सर, हो सकता है आपके लिए बहुत छोटा सा सवाल या सिली हो, लेकिन मेरे जहन में आ गया. सर, जब हम मेरा कोई प्रोग्राम है और मैं उसके साथ एक QR कोड लगाना चाहती हूँ, थोड़ा सा मुझे गाइड करें, क्या मुझे भी उस, मेरे पास YouTube चैनल है लेकिन वेबसाइट नहीं है अपनी, तो लेकिन प्रोग्राम बड़े पैमाने पे देखा जा रहा है या उसको रीच आउट ज्यादा, तो मैं एक लिंक बनाकर भी उसको दिखाना चाहती हूँ, तो क्या उसके लिए एक QR कोड के लिए मुझे क्या करना चाहिए? एक QR कोड के लिए मैम सिंपल सा है, आप गूगल पे टाइप करेंगे QR कोड जनरेट ऑनलाइन. सिंपली गूगल पे टाइप करेंगे, पहला जो लिंक आएगा theqrcodegenerator.com, इस पे क्लिक करेंगे, और जो भी आपका यूट्यूब का लिंक है, जो भी यूट्यूब का लिंक है यहाँ पे आपको सिर्फ पेस्ट कर देना है, जो भी यूट्यूब का लिंक है ऑटोमेटिक यहाँ QR कोड जनरेट हो जाएगा. और इसको यहाँ पे सिंपली ये डाउनलोड का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए. आपके पास फाइल नेम दे दीजिए, कुछ भी, यहाँ पे PNG SVG जो भी है चाहिए, आपको ऐसे करके डाउनलोड करेंगे, QR कोड जनरेट हो गया. ये वाला जो QR कोड आया ये आप किसी के साथ शेयर कर दीजिए, किसी ब्राउजर में, किसी टेम्पलेट में, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं. सिंगल के लिए तो ये ठीक है मैम. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. ओके, ठीक है मोनिका मैम, मैं 5 मिनट और ले सकता हूँ क्या दीपक के लिए? सॉरी सर, एक बार फिर से बोलेंगे आवाज. मैं 5 मिनट और ले लूं क्या सेशन? सर जस्ट 5 मिनट्स, आई थिंक नॉट मोर देन दैट. ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन है. मिसाल
मैं एक लेसन ले रही हूँ, वही लेसन मेरा दूसरा टीचर ले रहा है, उसका मैंने क्यूआर क्यूआर कोड मैं भी बना रही हूँ, वो भी बना रहा है क्यूआर कोड, क्या ये अलग अलग क्यूआर अपने अपनी तरफ से क्यूआर कोड बनेगा, ये क्यूआर कोड एक ही बनेगा? मैम ये चीज मैंने अभी जस्ट बताया कि जो भी यूआरएल होगा आपका, सपोज जो भी यूआरएल, एक्चुअली क्यूआर कोड किसी यूआरएल का बनता है, सपोज इसी का क्यूआर कोड ले लिए, ये लिंक आप भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कोई और भी पढ़ा रहे हैं, तो क्यूआर कोड जो बनेगा वो सेम ही टारगेट पे हिट करेगा, तो दोनों सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम होगा मैम। ओके थैंक यू। मैं पूछना चाह रहा था कि हम भी जेके बोस में यहाँ पे हमारी जो एनर्जाइज बुक है यहाँ पे उन्होंने बनाई है जेके बोस में, तो एक्सेसिबिलिटी का जो आप बता दीजिए कि वेदर सिंपली क्यूआर कोड को स्कैन कैसे करना है और कैसे असेस किया जा सकता है, वो सरल भाषा में जो आम लोगों को समझाया जा सके ताकि वो इसको असेस भी कर पाए। सर इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप क्यूआर कोड किस पर्पज से बना रहे हैं, और दूसरा चीज कि अगर आप किसी एससीईआरटी या किसी अपने स्टेट के लिए बना रहे हैं तो मेक श्योर कि उनके पास एक वेबसाइट और एक सर्वर हो। जब तक सर्वर और वेबसाइट नहीं होगा तो बल्क क्यूआर कोड नहीं बन सकता है, क्योंकि जब तक आपके पास एक चैप्टर का या एक टॉपिक का अगर 10 रिसोर्सेस या 5 रिसोर्सेस हैं, उसको कहीं पे रखने के लिए जगह चाहिए। किसी एक जगह आप उसको रखेंगे तो ही उसको आप मैप कर पाएंगे क्यूआर कोड के साथ। जो मैंने पहला डोमेन यूआरएल लिया था वो वही वाला चीज है, तो ये आपको करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, अगर डिटेल में किसी स्टेट को चाहिए, आप स्पेशल से अलग से एक रिक्वेस्ट कर दीजिए, अलग से सेशन आप ले लीजिए सीआईटी से, ताकि हम उसे बता पाए। यस देवासी सर, मैं विजय यूपी से। जैसा भी आपने मैम को उनका डाउट क्लियर किया कि जैसे उनका कोई सर्वर नहीं, उनका कोई वेबसाइट नहीं है, देन उनका कोई यूट्यूब चैनल है वो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है और यूजफुल है, तो उसके लिए आपने बताया कि सीधे गूगल पे गए और ऑनलाइन क्यूआर जनरेट के उस यूट्यूब लिंक को लिया और उसको क्यूआर कोड में जो भी ऑप्शन आपने बताया उसको किया, उसके बाद जो आप पीएनजी या जेपीजी या जिस भी फॉर्मेट में उसको हमने सेव किया, दैट्स उसको कहीं भी उसको यूज किया। बिल्कुल। लेकिन सर अगर मान ली सर हम एज ए टीचर अपने बच्चों के लिए स्कूल या कोई ई कंटेंट या जो भी चीजें बता रहे हैं अभी, उसके लिए अगर हम सर इस तरह का क्यूआर कोड बनाना चाहे जबकि हमारे पास ना तो सर्वर है और ना ही हमारे पास वेबसाइट है, तो उसके लिए सर जो आप यूआरएल मेन डोमेन में आप बता रहे थे, तो वो जो डोमेन आप डाले हैं क्या वो पर्टिकुलर जब भी हम बनाएंगे इस तरह के अपने स्टेट के लिए, अपने स्कूल के लिए या फॉर एवर, तो क्या वही यूआरएल यूज कर सके, उस पे कोई लाइसेंसिंग वाला चीज या ऐसा कोई डाउट वाला या ऐसा कोई कॉपीराइट या कोई इनलीगल ऐसा कोई मैसेज तो नहीं, इसे कोई दिक्कत नहीं रहेगा? देखिए अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया है और वो मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको मैं नहीं बताऊंगा कि वो लाइसेंस वाला क्या इशू है, लाइसेंस मैंने देखा नहीं है उसका ओपन सोर्स का, क्योंकि बहुत सारे क्यूआर कोड जनरेटर टूल्स और वेबसाइट अवेलेबल है पोर्टल पे इन नेट पे, तो वो हम एक्चुअली यूज कर लेते हैं, बट उसका कोई लाइसेंसिंग वगैरह वैसा हमने पढ़ा नहीं है अभी तो, बट यूज कर सकते हैं आप, जो हमने फ्री एंड ओपन सोर्स था वो हमने बताया आपको बल्क के लिए। जी सर, आपने अभी मेन डोमेन में यूआरएल आपने यूज किया था, क्या उस यूआरएल को हम लोग अपने इन सब चीजों में यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू तो नहीं है? नहीं कोई इशू नहीं है सर, इशू कुछ नहीं है। ओके सर। हां देवाशीष सर। यस। जैसे मेरे पास एक डाइट की वेबसाइट है और उसके डिफरेंट पेजेस हैं, हमने क्या किया उनका यूआरएल तैयार कर लिया, आपने दूसरे सेक्शन में दिया है जो एक्सेल शीट पे स्प्रेडशीट पे कि कोड देने के लिए, क्या कोड जरूरी है? हाँ, कोड सर जरूरी तब है ये कोड हम, हाँ, कि अगर आपके पास वेबसाइट यूआरएल है, कोड नहीं देंगे तो सिर्फ आप स्कैन के थ्रू ही एक्सेस कर पाएंगे, तो आपको उसको सर्च करके नहीं कर पाएंगे आप, वो एक लिमिटेशंस हो जाती है। ये कोड यानी कोडिंग की प्रक्रिया अलग चीज है वो? हाँ, कोडिंग की प्रक्रिया अलग है, आप कोडिंग दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट। हमारा रिक्वायरमेंट था कि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा तरीके से रीच करा जाए, किया जाए, कि ताकि स्टूडेंट अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो बुक से कोड देख के टाइप करके सर्च कर ले। That's why. तो ऐसे हम लोग क्रिएट कर नहीं सकते, इसके लिए तो कुछ स्पेशल अपना अलग से ट्रेनिंग इसकी करनी पड़ेगी। हाँ, अलग से करनी पड़ेगी सर, बिल्कुल सर, इतने कम समय में डाउट यही हो रहा था सर कि उसको हम कोड देंगे कैसे उस कंटेंट को, क्योंकि यहाँ तो हम कोड कुछ भी टाइप करने से तो काम चलेगा नहीं, नहीं वो पर्टिकुलर कोड मैंने बताया ना आपको कि अगर चैप्टर वाइज है,
तो कोड आप कुछ भी आप अपने तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, 101 से स्टार्ट कर लीजिए, किसी भी हर बुक्स का कुछ ना कुछ कोड आप। अच्छा, मैं अपने पैरामीटर्स पे जो भी कोड दूं उस पे एक्सेस हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, 110% एक्सेस होगा और वो वैलिड भी होगा। Means code is as per the discretion of the, you know, the one who is making it. Maybe that may be a diet, that may be SCRT, yes. authorities. So it is on our discretion what code yes. we have to give. Yes, yes. Irrespective right. of the null codes given by NCERT, right, sir? Right. What I'm getting. No. Right. मैं अब एक मिनट लूँगा आपको सीजिल थोड़ा सा EPUB बता देता हूँ कि EPUB बनाने के लिए हमारे पास एक software prerequisite है EPUB के लिए, एक हमारे पास सीजिल editor होना चाहिए, right? तो सीजिल editor हम ओपन करेंगे, वन सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सिजिल एडिटर का? यस सर, यस सर। ये हमने सिजिल है, राइट right? ये देखिए सिजिल का आइकन ऐसा है, ये आइकन दिख रहा है आप लोगों को, SIGIL? यस सर, यस सर। ओके, ये सिजिल आपको डाउनलोड करना है, गूगल पे जाना है, लिखना है SIGIL सिजिल डाउनलोड। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा सिजिल ईबुक, यहाँ पे सिजिल सॉफ्टवेयर गिटहब। तो सपोज गिटहब का हम एक यूज करते हैं, यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे आप विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए, उबंटू के लिए, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे सिजिल का अलग अलग वर्जन का, अलग अलग वर्जन का आपको यहाँ पे मिल जाएगा URL। आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस पर मैंने डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड करके हमने सिजिल एडिटर ओपन कर लिया है। जस्ट लाइक ये हमारा एडिटर है जिसमें कुछ हम टाइप कर सकते हैं, जैसे नोटपैड प्लस प्लस है, ड्रीम व्यूअर है, वर्ड है ना, इस तरह का। अब इसमें से मैं कोई बुक्स चैप्टर को ओपन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर आपके पास प्रीरिक्विजिट क्या है कि आपको EPUB बनाने के लिए आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए, इमेजेस होना चाहिए और उसका फॉन्ट होना चाहिए। अगर हिंदी में है तो फॉन्ट बहुत ही जरूरी है कि आप किस फॉन्ट में उसको यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे यहाँ पे टेक्स्ट है, इमेजेस है, फोल्डर फॉन्ट्स है, फॉन्ट्स वाले में जाएंगे, एग्जिस्टिंग फॉन्ट्स, जो आपका फॉन्ट्स होगा यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो फॉन्ट आपके सिस्टम में होना चाहिए। अगर ऑडियो फाइल्स है तो ऑडियो यहाँ से अटैच कर सकते हैं, वीडियो है तो वीडियो अटैच कर सकते हैं। अभी सिंपली मैं आपको क्विक रिव्यू में एक मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ, कोई भी EPUB बना हुआ, सपोज KEBS111.EPUB हमारा है, इसको हमने ओपन किया, ये ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, एक तो हम जब बनाते हैं तो कोड व्यू होता है जब हम कुछ एडिट करते हैं, और एक होता है बुक व्यू। अब इसमें से देखिए हमारा चैप्टर 11 है, इंटरनेशनल बिजनेस है, इस तरह करके दिख रहा है राइट साइड प्रीव्यू, और यहाँ पे हमारा कोड है। सपोज इसको बुक में देखना है तो बुक पे आप ऐसे देख सकते हैं, ये हुआ। अब यहाँ पे चैप्टर 11 है, आपको एडिट करना है तो यहाँ पे चैप्टर 18 कर दिए। क्यू आर कोड आपको यहाँ से इमेज रिप्लेस करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ से आप थोड़ा सा देख लें, फिर फाइल में जाना है, कोई भी इमेज को यहाँ से अदर फाइल्स में जाके कोई भी इमेज को आप सपोज ये इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करने से जहां पे कर्सर होगा वहां इमेज अटैचमेंट हो जाएगा। इस तरह कोई टेक्स्ट अगर सपोज हमें यहाँ ऐड करना है, ठीक है, मैं इसका एक्चुअली इसका अलग से सेशन अगर किसी को चाहिए होगा तो लेना होगा। मैं थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि EPUB बनाने के लिए सिजिल सॉफ्ट एडिटर का यूज होगा। अगर आपका पब्लिकेशन में इनडिजाइन फाइल है, इनडिजाइन से डायरेक्टली एज ए एक्सपोर्ट करना है EPUB, देन आपको यहाँ पे एडिट करना है, तो इस तरह से EPUB आपका सिजिल के थ्रू आप बना सकते हैं। बस सिंपली इसको फाइल में जाके सेव एज कर देना है .epub के नाम से, तो आपका EPUB ये रेडी हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। एक मिनट सर, EPUB फाइल्स मेरे लैपटॉप में नहीं खुलती है तो मुझे कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा? ओके, वेरी गुड, ये वैलिड क्वेश्चन है। आपको डाउनलोड ये करना पड़ेगा मैम कि आपको, मैं सब बंद कर देता हूँ, आपको कोई EPUB एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ब्राउजर पे। तो सपोज आपको लिखना है EPUB READER रीडर फॉर क्रोम, अगर ब्राउजर क्रोम है तो क्रोम पे मोजिल्ला के लिए आपको सिंपली ऐसे करना है, पहला जो लिंक आएगा EPUB रीडर का उस पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद इसको एड टू क्रोम करना है, हमारा क्रोम ब्राउजर है, अगर मोज़िला होगा तो मोज़िला पे अलग आएगा, इसमें एड टू क्रोम करना है, एड एक्सटेंशन में क्लिक करना है। आफ्टर क्लिक ऑन एड एक्सटेंशन, ये आपका एक्सटेंशन जो है प्लगइन है वो ब्राउजर पे आपका सेट हो जाएगा। यही स्टेप्स है, जब एक बार ये हो गया यहाँ पे देखिए ईपब आ गया, अब यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन आपका सर थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया आपने कोई नहीं मैम, हो गया, बस इस एक्सटेंशन को आपको यूज करके यहाँ से आपको जहां भी आपका ईपब फाइल है वहां से ऐड करना है, आपका डेस्कटॉप में भी दिख जाएगा। थैंक यू सो मच। ये फोन में भी होता है? यस, फोन पे तो ऑटोमेटिक, फोन पे ऑटोमेटिक हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो एफ बी रीडर है, बहुत सारी रीडर है, एक आप कोई प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर, सर जो वेबसाइट जैसे हमें चाहिए उसका काम हम ब्लॉग से भी ले सकते हैं? ब्लॉग से ले सकते हैं, बट वो सर्वर आपका नहीं होगा ना, सर्वर तो उनका ही होगा, ब्लॉग से लेंगे तो नहीं, ब्लॉग तो हमने उसकी सब्सक्रिप्शन ले रखी है ना। हाँ, अगर आप ब्लॉग पे अपने डेटा को रख सकते हैं तब उसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको अपने एक्स्ट्रा डेटा को, एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी है, आपका ऑडियो वीडियो इंटरेक्टिव इमेजेस जो भी है, उसको जहाँ पे भी आप रख पाए उसको ले सकते हैं, तो डायरेक्ट यूआरएल से होगा। बट हम सजेस्ट ये करेंगे कि आपका अपना सर्वर हो, ब्लॉग से ना हो, क्योंकि ब्लॉग हम रिकमेंड नहीं करते हैं फॉर एजुकेशनल रिसोर्सेज पर्पस। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके एंड सर, सर वी वांट टू कंप्लीट सेशन ऑन ईपब बिकॉज़ देयर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर स्टूडेंट्स। पीडीएफ जो है बच्चों को उसमें दिक्कत तो आती है, तो इफ वी आर एबल टू कन्वर्ट पीडीएफ टू ई पब्लिश then that is very beneficial for our students, sir. Sir, इसका जवाब मैं दूंगी, मैं देवाशीष सर को रोक दूंगी। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये सिर्फ एक सेशन का काम नहीं है, हमने तो आधा घंटा केवल इंट्रोडक्शन रखा था, ये एक पूरी दो या तीन दिन की वर्कशॉप होगी जिसके अंदर आपको ईपब बनाने का और उसके बाद फर्दर जितने स्टेप्स हमने बाकी के भी सीखे एनर्जाइज करने के लिए वो सारे उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। ये सिर्फ हमारा एक एम था कि हाँ अगर कुछ लोग जो इससे अभी तक ओरिएंट नहीं है तो एक ओवरव्यू उनको मिल जाए, बट अगर स्टेट की डिमांड है, स्टेट को लगता है कि उनको इस तरह की वर्कशॉप या इस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, तो दे कैन राइट टू सीआईटी, जेडीसीआईटी, फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान की जा सकती है। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, एंड वी वुड रिक्वेस्ट मोनिका मैम कि ये वाले सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग हमें मस्ट चाहिए, बिकॉज़ इट वाज हेवीली लोडेड विद ऑल द टेक्निकलिटीज, सो वी वुड रियली विश टू हैंड्स ऑन ऑन दिस। आप जैसे ही आएंगी सारी रिकॉर्डिंग एक साथ आ जाएंगी आपके इसी पेज पे, जैसा मैंने पहले बताया। थैंक यू। सो नाउ थैंक यू देवाशीष सर, इतनी सारी एनर्जी डालने के लिए सबके अंदर की उनके इतने प्रश्न है और वो दोबारा इस चीज को सीखना चाहते हैं, ये अपने आप में एक फीडबैक होता है एक स्पीकर के लिए कि हमने क्या उनको बताया है। इट वाज अ वंडरफुल सेशन, दो आई कुड नॉट अटेंड द फुल सेशन बिकॉज ऑफ सम अदर पैरेलल थिंग्स गोइंग ऑन, बट यस व्हाटएवर आई कुड सी इट वाज डेफिनेटली अ टेक्निकल वन व्हिच नीड्स मे बी अ लिटिल मोर टाइम फॉर दिस मच टास्क ओनली। वी विल ट्राई कि हम नेक्स्ट टाइम जब प्लान करें तो पूरा एक वन एंड हाफ आवर का सेशन रखे, सो दैट यू हैव टाइम टू मे बी डेमोन्स्ट्रेट इट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड टेक द क्वेरीज। Thank you very much for this wonderful session. Thank you. Monica ma'am, I would like to request ki iska jab bhi aap next session rakhe प्लीज जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो यही वाले सेम रखें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हम वाया स्टेट आते हैं तो नेक्स्ट टाइम में समटाइम्स स्टेट गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल विच इज अ गुड थिंग, बट ऑन द अदर हैंड ये भी हो जाता है कि जिन्होंने पहले ट्रेनिंग ली है अगर वो वाला सेकेंड ट्रेनिंग ग्रुप नहीं सीखा है तो वो उनके लिए कुछ प्रीवियस नॉलेज नहीं होता और प्रीवियस नॉलेज वालों को वो सेकेंडरी नॉलेज नहीं मिल पाता। मैम ये वाला पॉइंट जैसे है ना, हम लोग इसके लिए वी कैनॉट रियली यू नो लुक आउट डायरेक्टली टू यू, बिकॉज हमें तो एक एक चैनल होता है जिसके थ्रू हम अप्रोच करते हैं या बात करते हैं, तो वो तो स्टेट ही है, पर आप लोग इसीलिए मैंने बोला आप लोग अपनी ही लिस्ट जो स्टेट पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है उन्हीं का नाम दे के बोलिए कि हमने ये ट्रेनिंग ली है, इसके बेसिस पे हमें इन इन टॉपिक्स पे डिटेल्ड ट्रेनिंग चाहिए, तो आप प्लीज वो अरेंज करवाएं, तो उनको भी पता होगा कि इन्हीं लिस्ट को दोबारा वो करना है। ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट मैम, नाउ वी नो द चैनल जी, थैंक यू। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगी,
मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि अब आप लोगों ने करना क्या है इस आधे घंटे में या टिल लंच टाइम, मतलब थोड़ा सा हो सकता है आज आपको अपना लंच टाइम स्क्वीज इन करना पड़े ताकि ये काम हो सके, क्योंकि अब हम लोगों को जो है अगर आपने शेड्यूल देखा हो तो हमें स्टेट एक्शन प्लान बनाने हैं। अब ये स्टेट एक्शन प्लान क्या है और क्यों बनाने हैं ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये स्टेट एक्शन प्लान दो लेवल पे हम लोग काम करते हैं, मैं एक बार स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ ताकि आपके पास थोड़ी रिटर्न इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। सो दिस इज अबाउट स्टेट एक्शन प्लान और हम दो तरीके से इसको देख रहे हैं कि स्टेट एक्शन प्लान कैसे बन सकता है, एक है इंडिविजुअल लेवल पे और दूसरा है स्टेट लेवल पे। तो जो इंडिविजुअल लेवल पे जैसे कि हम वर्ड से ही समझ रहे हैं कि मैं एज एन एसआरजी ऑफ द स्टेट, मैं मोनिका या मैं नवनीत मैम या जो भी हैं, एज एन इंडिविजुअल पर्सन अकेले तौर पे मैं क्या कर सकती हूँ स्टेट के लिए, इन द सेंस कि अगर मैं मान लीजिए कहती हूँ कि मैं महीने में 4 ई कॉन्टेंट डेवलप कर सकती हूँ किसी भी सब्जेक्ट पे जो भी आपका एरिया है, या फिर मैं मैं फर्दर अपने टीचर्स को, अपने स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकती हूँ विदाउट एनी यू नो सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, अपने स्कूल लेवल पे आपका ये काम हो गया, या मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर अपने जोन, कोई छोटा जोन होगा उसके लेवल पे या अपने विलेज के लेवल पे, जो भी जिस तरह के भी स्कूल में हम लोग पोस्टेड है, मैं वहाँ के बाकी टीचर्स के लिए कैसे उनको जितना मैंने सीखा वो सिखाने में योगदान दे सकती हूँ। तीसरा एस्पेक्ट होता है ई कंटेंट इवैल्यूएशन, मैं स्टेट को ये कैसे बताऊं कि मैं भी एक ई कंटेंट इवैल्यूएटर बन सकती हूँ किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि दीक्षा का काम सभी राज्यों में चल रहा है। तो ये हमारे तीन चीजें हो गई। अब इसमें एक तो आ गया मैं कि मैंने एज मोनिका क्या क्या काम करना है, कि मैं ना महीने में मे बी 5 ई रिसोर्स बनाऊंगी, 10 ई कंटेंट इवैल्यूएट करके दे सकती हूँ, और मैं अपने स्कूल के टीचर्स को 10 टीचर हैं या 20 टीचर हैं या डिपेंडिंग ऑन द स्कूल कितना बड़ा है, उन टीचर्स को विद इन अगले 6 महीने में सारे टीचर्स को अपने स्कूल के बाहर नहीं जा रही हूँ ट्रेन कर सकती हूँ, ये आप कह सकते हैं। दूसरा हो गया एसआरजी ग्रुप के लेवल पे, अब आप इंडिविजुअल नहीं हो, हमने देखा हम ग्रुप के तौर पे कितने अच्छे और सपोर्टिव एक टीम है, तो एज एन एसआरजी स्टेट रिसोर्स ग्रुप हम लोग कितना काम कर सकते हैं कि आज मैं पंजाब से मान लीजिए 20 लोग आए हैं, तो 20 और लोग अगर हर महीने 5 रिसोर्स बनाएंगे तो आपके 100 रिसोर्स तो ऐसे ही बन गए। तो ये एक प्लान हम टेंटेटिवली बनाएंगे और ये 20 लोग अगर मिल जाए तो अगर अपने अपने गांव में, अपने अपने टाउन में, अपने अपने सिटी छोटे एरिया में जो भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो कितने लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दी, चाहे कुछ नहीं तो 50 ही लोगों को दे दी एक बंदे ने ट्रेनिंग, तो 50 से मिलके 20 में कितना मल्टीप्लाई हो गया हमारा नंबर। ये एक इंडिविजुअल एक्शन प्लान है कि हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे ये करेंगे जिसमें हमें स्टेट से कोई इंटरवेंशन नहीं चाहिए। दूसरा है स्टेट एक्शन प्लान, उसमें जैसे हमारी हर टीम में लगभग 1-2 SCRT की टीम के लोग हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मोस्टली सब में है, वो थोड़ा सा एफर्ट ले सकते हैं सारे ग्रुप के साथ बात करके कि हम स्टेट लेवल पे हम कितनी ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, किस टॉपिक पे कर सकते हैं, किस कितने फेजेस में कर सकते हैं, इस तरह से एक टेंटेटिव सा जो एक एक्शन प्लान हम लोग बनाएंगे। एक जो सारा प्लान को भी हम दो फेजेस में बना सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म की हमने 2 महीने में क्या करना है एज एन इंडिविजुअल, एज ए ग्रुप और एज ए स्टेट, या अगले 6 महीने या अगले साल में, बेसिकली 2023 22 और 23 के लिए आप स्टेट का एक्शन प्लान बनाओगे, तो आप उसके अंदर क्या क्या कर सकते हो। ये जैसे मैंने जो जो चीजें आपको बोली है वो आपको स्लाइड पे भी नजर आ रही होंगी कि हाउ कैन यू कॉन्ट्रीब्यूट की स्टेट लेवल ट्रेनिंग्स में, आप स्टेट को ये बता सकते हो कि ठीक है, मतलब हो सकता है आप में से किसी एक को H5P ना समझ आया हो या फिर ओडेसिटी ना समझ आया हो, आपको लगता है कि नहीं मैं सिर्फ स्टॉप मोशन करवा सकती हूँ या सिर्फ मैं मे बी इजिली करवा सकती हूँ, कोई भी आप अपने एक ट्रेनिंग, अपना एक कंटेंट बता सकते हो कि मैं किसके ऊपर अपने स्टेट के पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग दे सकती हूँ, वो टॉपिक्स आप उन्हें बता सकते हो, तो स्टेट लेवल ट्रेनिंग में आप कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ये आप लोग एज एन SRG एक लेटर या एक वो बना करके अपने स्टेट को सबमिट कर सकते हो। फिर हाउ कैन यू डेवलप ई कॉन्टेंट में आप कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हो, टाइप ऑफ ई कॉन्टेंट जो आप डेवलप करके खुद इंडिविजुअली कर रहे हो वो स्टेट को बता सकते हो, फिर कॉन्टेंट रिव्यू जो मैंने पहले ही मैंशन किया था। तो अब आप लोगों ने
ये टाइम आपका अपना है, आधा घंटा आप लोग लीजिए अभी, आधे घंटे में हम लोग, आप चाहें तो मैं ब्रेकआउट रूम बना देती हूँ स्टेट वाइज, जिसके अंदर आप लोग अपनी टीम के साथ डिस्कस करके ये एक एक्शन प्लान बनाएंगे, और सभी स्टेट के कोऑर्डिनेटर्स वो या फिर उनके द्वारा कोई भी जो भी रिप्रेजेंटेड है वो इस एक्शन प्लान को वैलिडिक्ट्री के दौरान आज शाम को जब प्रोफेसर बेहरा भी होंगे तब हम अपना स्टेट एक्शन प्लान प्रेजेंट करेंगे। हिमाचल से शायद कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं है, तो आप लोग आपस में कंसेंसस बना सकते हो कि कौन आपकी तरफ से एक बंदा प्रेजेंट करेगा, और उसी को आपने बाद में स्टेट में जाके अपने SCRT को भेज देना है, जिससे अपने हम लोग अपने ऑर्डर सबमिट करते हैं या कुछ भी सबमिट करते हैं, तो ये भी आपकी हमने ये ट्रेनिंग ली है, ये हमने एक एक्शन प्लान बनाया है, ये हम करेंगे, आप उनको भेजोगे, इधर से आपने हमें सबमिट करना है, हम भी उनको भेज देंगे, तो उनके पर भी एक थोड़ा सा वो होता है कि नहीं इन्होंने टीम बनाई है, काम किया है, तो हमें इन्हें मोटिवेट करना है या इन्हें मौका देना है आगे, तो दिस वे वी कैन प्रवोक द स्टेट कि वो लोग भी आगे और ज्यादा एक्टिवली काम करें। लद्दाख जैसे कि हमारी नई UT है, JNK में फिर भी काफी कुछ इस्टेब्लिश्ड अभी भी है, तो लद्दाख वाले बहुत एफर्ट करके अच्छे ई कॉन्टेंट बना सकते हैं अपने लैंग्वेज के बेस पे, अपने उस पर कि अच्छा कॉन्टेंट भी बने, एक अच्छी टीम बन जाए शुरू से, तो एक यू नो आउटपुट भी बहुत अच्छा बना रहेगा। तो आप लोगों ने जो मेरे को दिख रहा है, दिल्ली से भी, चंडीगढ़ से भी, हरियाणा ने भी बोला है कि ब्रेकआउट रूम बना दो तो उसमें कन्वीनियंट रहेगा। आप लोग बाकी भी बता दें, हिमाचल ओके है ब्रेकआउट रूम में या आपने इंडिविजुअल मीटिंग क्रिएट करना चाहते हो आप? हिमाचल, राजस्थान, हिमाचल ओके है, लद्दाख ओके है, ठीक है, तो मैं ब्रेकआउट रूम बना देती हूँ जैसे हमने कल बनाए थे, आई होप कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आएगा, और आप लोग उसके अंदर फिर AC, आर यू देयर? यस मैम। आप प्लीज स्टेट वाइज ब्रेकआउट रूम वो कर दीजिए, तो फिर जैसे ही आप ओपन करेंगे सब ज्वाइन कर लेंगे। मैम राजस्थान का भी बना दीजिएगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है मैम, हम सबके ही बना रहे हैं, जिस जिसने जो जो अपना स्टेट के मेंबर्स हैं आप अपने ग्रुप में चले जाए, वहां पे आपको अगर चाहिए तो मैं ये PPT ग्रुप पे चैट पे डाल देती हूँ, अगर आपके पॉइंट्स मिस हो गए हैं मान लीजिए कोई, तो आप उसमें देखते हुए स्टेट एक्शन, कोई ज्यादा हैवी नहीं बनाना कुछ कि आपने बड़ी PPTs बनानी है, आप सिंपल एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिख सकते हो या दो स्लाइड बना सकते हो, एक स्टेट की और एक अपनी, कोई बहुत आपने वो नहीं करना कि आपने अभी तक क्या किया है, उतना बड़ा प्रेजेंटेशन नहीं करना, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट का प्रेजेंटेशन होगा जिसमें आपने अपनी आने वाली एक्टिविटीज में क्या प्लान किया वो आपने बताना, तो इसको बहुत ड्रैगिंग सा मत बनाइएगा, मेक इट क्रिस्प, मेक इट एज अ प्लान, नॉट एज द प्रीवियस एक्टिविटी विच यू हैव बीन डूइंग, वी अप्रिशिएट दैट, हम लोग उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, बट वहां पे टाइम की भी थोड़ी सी लिमिटेशन होती है, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे काम करेंगे। मैं अभी आपको PPT चैट में शेयर कर देती हूँ। Ma'am, you have the valedictory thing. The state resource person may be our representative from SCRT. They can present the plan. They can present or any of you. This is okay. This is basically your call, your team's call that who will present. Okay, ma'am. ठीक है ma'am. क्योंकि HP से जहां तक मुझे पता है कोई nomination as group coordinator नहीं आया था हमारे पास, तो मैंने request किया कि वो लोग आपस में decide कर सकते हैं, but बाकी सबका आया हुआ है। Yes, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा कि वही प्रेजेंट करेंगे, तो SCRT में सबमिट करना भी आप लोगों के लिए आसान होगा। Exactly, मैम JK से कौन हमारे कोऑर्डिनेटर है? हाँ जी JK से, JK से एक सेकंड, AC प्लीज JK के कोऑर्डिनेटर का नाम आलोक बताएंगे आप? मैम एक सेकंड कंफर्म करता हूँ जी। रवि सर आप कुछ कह रहे थे, UP से रवि शंकर जी। मैम हम कह रहे थे कि सबको एक इंडिविजुअल बनाना है कि पूरे स्टेट का एक ही रहेगा, अभी स्टेट का एक्शन प्लान बनेगा जिसमें स्टेट के हिसाब से रहेगा या इंडिविजुअल हमको PPT बना के? नहीं नहीं, आपने ग्रुप में बैठ के एक दो स्लाइड आपने टोटल बनानी है, उसमें एक में आएगा SRG का, मान लीजिए एज एन इंडिविजुअल आप कहते हो मैंने 10 रिसोर्स बनाने हैं या सारे SRG कहते हैं 10 बनाने हैं, तो 10 × जितने SRG कितने रिसोर्स बन गए एक महीने में? 100 कम से कम, तो आपने वो लिख देना कि 100 रिसोर्सेज अंडर द SRG प्लान, और जो स्टेट एक्शन प्लान है उसके अंदर आप क्या क्या करोगे उसमें एक स्लाइड में 4-5 पॉइंट्स में आपने लिखा है, मतलब इंडिविजुअल का नहीं होना है, खाली ब्रेकअप रूम बनाना होगा, ठीक है। थैंक यू मैम।
जम्मू कश्मीर से मैम लद्दाख का, लद्दाख का कौन कोऑर्डिनेटर बताएंगे मैम प्लीज? लद्दाख के कोऑर्डिनेटर का नाम भी सर आप लोगों के कोऑर्डिनेटर आपसे कोऑर्डिनेट तो कर ही रहे होंगे? नहीं मैम अभी तक हमें मालूम ही नहीं था। ये कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के लिए कहा है, मतलब ये ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए कहा, वहाँ कोई मेंशन नहीं किया था कि ये डायरेक्ट ये लद्दाख से एक्चुअली ऑफिशियली नहीं, पर उन्होंने एक सपोर्टिंग में जो एससीआर एक कोई एचओडी थे ना मैम, यांगडोल मैम थे, पर यांगडोल मैम ने शायद ज्वाइन नहीं किया था तो उनकी जगह फिर जो भी था काचू हसन खान जी आप लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं मैम। दो कोऑर्डिनेटर्स हैं लद्दाख से क्योंकि डिस्ट्रिक्ट दो हैं कारगिल और ली, तो काचो हसन खान सर हैं कारगिल से और रिंगजिन नामगेल हैं ले से। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, अब एसी क्या ब्रेकआउट रूम बन गए? हाँ मैम ब्रेकआउट रूम रेडी है। हाँ जी विजय जी बोलिए। हाँ मैम ये कह रहा था जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे जो है रविशंकर जी बोल रहे थे यूपी से, तो मैम मैं क्या यूपी से कोई कोऑर्डिनेटर नॉमिनेट नहीं है क्या? ब्रेकआउट रूम ओपन कर दें। यूपी से कोई कोऑर्डिनेटर का हमें पता है क्या? यूपी से मैम श्री कमल किशोर जी हैं कोऑर्डिनेटर। हाँ कमल किशोर सर होंगे या मनीषा मैम होंगी, इन दोनों में से कोई। हाँ आप लोग कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रुप में जाएंगे आप आपस में बात करेंगे तो वैसे भी आपका काम अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। ग्रुप बन गए हैं आप लॉन्च कर दीजिए। ओके मैम थैंक यू मैम। हाँ हाँ आशुतोष जी, मनीषा मैम और कमल सर बिजी हैं यूपी से, मैं देख लूंगा। हाँ हाँ सर आप मुझे पता है आप हैं इसलिए टेंशन नहीं लेती मैं। आशुतोष सर यूपी से सपोर्ट कर देंगे आप सबको। आप लोग प्लीज अपने रूम्स खुद ज्वाइन कर लें। हेलो मैम आई होप अब तो सबको ज्वाइन करने भी रूम्स आते ही होंगे, कोई इशू होगा नहीं उसमें। हेलो सभी लोग प्लीज अपने रूम्स ज्वाइन कर लें। हेलो हाँ जी मनिका मैम हमें ये रूम बनाना भी सिखा देना ना प्लीज। बिल्कुल मैम कैसे बनाते हैं? जी बिल्कुल सिखा देंगे मैम। थैंक यू मैम। एक एसी आपने उड़ीसा के लिए भी रूम बनाया है क्या? मैम आवर टीम हैव ऑलरेडी सबमिटेड द एक्शन प्लान। यस सर बट इंडिविजुअली इफ यू वांट टू डू इट एज अ स्टेट मेंबर ओनली यू कैन जस्ट डिस्कस व्हाट यू आर गोइंग टू डू और आई विल शेयर द we don't have the Odisha plan. Can you ask your team to send the Odisha action plan to me? Yes, I can say. Right. Yes, yes. Thank you. काफी लोगों ने रूम नहीं ज्वाइन किया, आप लोग रूम ज्वाइन कर लें अपने अपने। हेलो हाँ जी हाँ मैम मेरा नाम दिल्ली में आ ही नहीं रहा है। आपको खुद चूज करना है मैम, हमने नहीं डाला है, आपने दिल्ली चूज करके उसके अंदर ज्वाइन करना है। मैम आप किस नाम से हैं? उर्वशी गुप्ता। आपके पास लिस्ट है नीचे, अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पे स्टेट आता जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जिस भी स्टेट से आप हैं। मैम ज्वाइन तो कर लिया, आगे क्या करना रहेगा? बस आप उस रूम में पहुंच जाओगे, अभी आपका ज्वाइन नहीं हुआ, आप यहाँ नहीं होंगे फिर। ओके थैंक यू। हाँ जी सभी लोग आपके स्क्रीन पे एक लिस्ट आ रही है, उसके अंदर स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके स्टेट का नाम मिल जाएगा, वहां से आप रूम ज्वाइन कर सकते हैं अपने स्टेट का। इंदिरा मैम, इंदिरा सोंगरा जी आपने प्लीज ज्वाइन करी अपना राजस्थान का। निर्मल जी बोलिए, नरेंद्र जी बोलिए। मुझे राजस्थान ज्वाइन करना मैडम, मेरे नहीं आ रहा वो लिस्ट, नहीं आ रही है सर। लिस्ट कैसे नहीं आ रही है? मैंने मोर नहीं आ रही मैडम। मैं उसमें मोर बटन होगा नीचे, उसमें क्लिक कर लीजिए सर एक बारी, मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ आपको डाल देती हूँ। मैंने कर दिया मैम। ओके पंजाब से काफी लोग अभी बाहर हैं, ज्वाइन करिए अपना स्टेट।
मनिंदर सिंह जी, हाँ जी संदीप कुमार जी बोलिए। मैम मेरा अब तक शो नहीं हो पाया इसमें भी कोई भी स्टेट का। सर मोर में जाइए, वहाँ पे आपको मैम मोर में है नहीं, मैं चेक किया है अभी वहाँ पे नहीं है। मैं आपको अभी डाल देती हूँ सर जी। सतवंत सिंह जी, मनिंदर सिंह जी पंजाब ज्वाइन करिए प्लीज। सीमा जी आप भी ज्वाइन करिए पंजाब। ईशा मैम आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया अभी तक चंडीगढ़? ISBT नाम से कौन है, अपना नाम बताएंगे प्लीज। सर मैम ISBT नाम से है। बड़ा अच्छा नाम रखा है। हम रिस्पेक्ट करते हैं ISBT का। मैम प्लीज अपना नाम बताएं मैम। ISBT अल्पा निगम मैम अन्ना साइड में। हाँ आ गया अल्पा मैम। अल्पा मैम कहाँ की थी मुझे याद नहीं आ रहा। मैम हमने अभी फोन से भी ज्वाइन किया हुआ है, ब्रेकआउट रूम को ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन हम अभी जो है लैपटॉप से ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो तुरंत हम अपने स्टेट का ब्रेकआउट रूम ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है मैम आप कर लीजिए। प्रयास करेंगे तो चीजें। मैं सर ये कहना चाहूँ जैसे आपके कहाँ पे जो भी चीजें आपने सीखी क्या आपको एक ट्रेनिंग की और जरूरत है तो बेटर ये करता है सर कि जैसा कि आप देखते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी है तो एसी वी कैन क्लोज द ब्रेकआउट रूम एट 1:15 ओके 1:15 ओके 1:15 पे हम लोग बंद कर देंगे, तब तक 20 मिनट में ये डिस्कशन हो जाएगा। ओके